हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कीप लर्निंग अलवेज पर। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फलों के नाम, वो भी मराठी में, यानी इंग्लिश में उस फल को क्या कहते हैं, उसी फल को हिंदी में क्या कहते हैं और उसी फल को मराठी में क्या कहते हैं, यह आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो इंग्लिश में मैंगो कहते हैं, है ना, और मैंगो को हिंदी में कहते हैं आम, क्या कहते हैं आम, और मराठी में आम को क्या कहते हैं, अंबा, अंबा। जैसे कि एप्पल, एप्पल को हिंदी में कहते हैं सेब और मराठी में कहते हैं सफरचंद, क्या कहते हैं, सफरचंद। ऑरेंज, ऑरेंज को हिंदी में कहते हैं संतरा और मराठी में कहते हैं संतरी, कहते हैं संतरी। बनाना, बनाना को हिंदी में कहते हैं केला और मराठी में कहते हैं केळी, क्या कहते हैं, केळी। इंग्लिश में वाटरमेलन, वाटरमेलन को हिंदी में कहते हैं तरबूज और मराठी में कहते हैं कलिंगड़, कलिंगड़। इंग्लिश में पाइनएप्पल, पाइनएप्पल को हिंदी में कहते हैं अनानास और मराठी में कहते हैं अननस, अननस। इंग्लिश में पोमेग्रेनेट, पोमेग्रेनेट को हिंदी में अनार कहते हैं, अनार, और मराठी में डाळिंब कहते हैं, डाळिंब। इंग्लिश में जैकफ्रूट, जैकफ्रूट को हिंदी में कटहल कहते हैं और मराठी में कहते हैं फणस, फणस। पेयर, पेयर को हिंदी में नाशपाती कहते हैं और मराठी में नाशपति, नाशपति। कीवी, इंग्लिश में कीवी, हिंदी में भी कीवी को कीवी कहते हैं और मराठी में भी कीवी को कीवी ही कहते हैं। अब स्ट्रॉबेरी, इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रॉबेरी, तो हिंदी में भी स्ट्रॉबेरी ही कहते हैं और मराठी में भी स्ट्रॉबेरी ही कहते हैं, मराठी में भी स्ट्रॉबेरी। इंग्लिश में पपाया, पपाया कहते हैं, हिंदी में पपीता कहते हैं, पपीता, और मराठी में पपई, पपई। इंग्लिश में कोकोनट, कोकोनट, कोकोनट को हिंदी में नारियल और मराठी में नारळ, क्या कहते हैं, नारळ। लेमन, लेमन जो इंग्लिश में लेमन बोलते हैं उसको हिंदी में बोलते हैं नींबू और मराठी में कहते हैं लींबू, लींबू। तो ये जो है इंग्लिश, हिंदी और मराठी में फलों के नाम है। एक और बताना चाहूँगी, ग्रेप्स, इंग्लिश में ग्रेप्स कहते हैं, हिंदी में अंगूर कहते हैं और मराठी में द्राक्ष कहते हैं, द्राक्ष। तो ये वीडियो में फलों के नाम मराठी में, हिंदी में और इंग्लिश में बताए गए हैं। तो इस वीडियो के द्वारा आपको तो मराठी में फलों के नाम भी समझ में आए होंगे। तो ये पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।